नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण को रोकना एक चुनौती बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ जरूरी नियमों का पालन करके ही इस महामारी से निपटा जा सकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ऐसे तमाम कदम उठाने में लगी है जिनके जरिए इससे जुड़ी जरूरी हिदायतों का कड़ाई से पालन कराया जा सके। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले के चरणों में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया गया। इस बार भी लोग दी गई हिदायतों का पालन करें, इस पर पुलिस बारीकी से नजर बनाए हुए है। पांचवें चरण में शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी और निजी दफ्तर खोल दिए गए हैं, साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में भी छूट दी गई है। इससे सड़कों, बाजारों और अन्य स्थलों पर लोगों की भीड़ लगना लाजमी है। इस दौरान लोग जरूरी नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस पर भी पुलिस द्वारा खासा ध्यान दिया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है ताकि लोग नियमों का पालन कर इससे बचे रहें। वाहनों में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से पालन करें, इस पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही पार्कों को भी लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पार्कों को भी लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब लोग पहले की तरह सुबह की सैर और कसरत आदि कर सकते हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए पार्कों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को समझाने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। उन्हें जरूरी दूरी बनाए रखने के साथ साथ स्वच्छता के बारे में भी बताया जा रहा है। सड़कों और गलियों में घूम घूम कर लाउडस्पीकर के जरिए भी पुलिस लोगों को जागरूक करने में लगी है। वहीं रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए भी पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। किसी नागरिक को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉकडाउन की शुरुआत में ही हेल्पलाइन नंबर 2346-9526 जारी किया गया था। इस पर फोन कर नागरिक अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर्स, बैनर और साइनेजेस का भी दिल्ली पुलिस प्रयोग कर रही है। इन पोस्टर्स और बैनर्स को गलियों, सड़कों और बाजारों में लगाया गया है। लोगों में जागरूकता पैदा करने में ये पोस्टर्स काफी प्रभावी साबित हो रहे हैं। अपने कार्य को अंजाम देने के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बराबर बना रहता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही कार्य के दौरान पुलिस स्टेशनों में संक्रमण ना फैले, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। थानों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और पुलिस कर्मियों को खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। वहीं पुलिस स्टेशनों पर पुलिस कर्मियों और यहां आने वाले लोगों के बीच सुरक्षित और संपर्क रहित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कई जगह पुलिस स्टेशन में आने वाले व्यक्तियों के लिए गेट पर ही एक कॉन्टैक्टलेस हैंड सैनिटाइजर रखा गया है, जिससे वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। साथ ही बातचीत करने के लिए वीडियो इंटरकॉम का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा जरूरी पेपर्स के आदान प्रदान के लिए पहले उसे अल्ट्रा वायलेट युक्त बॉक्स में डाला जाता है, जिससे शिकायत पत्र हो या कोई और दस्तावेज उसे संक्रमण रहित किया जा सके। कोविड से कर्मचारियों व आगंतुकों को बचाने के लिए दक्षिणी जिला दिल्ली पुलिस ने कुछ टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसमें सर्वप्रथम किसी भी आगंतुक के पुलिस स्टेशन में आगमन पर उनके हाथों को सैनिटाइजर स्प्रे कॉन्टैक्टलेस मशीन द्वारा सैनिटाइज कराया जाता है। तदुपरांत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थर्मल इमेजिंग कैमरा है, जिसमें उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। इस मशीन में या इस उपकरण में ग्रीन लाइट और रेड लाइट, उसके अलावा आवाज़ से भी टेम्परेचर बताने की व्यवस्था है। इसके बाद भी अगर आगंतुक को ड्यूटी ऑफिसर या फिर ईओ या आईओ से बातचीत करनी है तो थाने में प्रवेश करने की बजाय कॉलिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों की व्यवस्था मौजूद है।
इसमें बात करके अपनी समस्या का निवारण या अपनी शिकायत या फिर जिस भी कार्य के लिए थाने में उनका आगमन हुआ है तो उसको पूरा कर सकते हैं। कोविड 19 महामारी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में कई बदलाव आए हैं, जिससे फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर तैनात पुलिस कर्मियों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। वहीं लॉकडाउन की वजह से गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर और कई अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। लोगों को भोजन प्रदान करने के साथ साथ पुलिस उन्हें सूखा राशन और कई अन्य जरूरी सामान भी वितरित कर रही है। गौरतलब है कि भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है, ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। पुलिस द्वारा लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि आगे भी जरूरतमंदों को भोजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। लोगों के सहयोग के बिना इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि लोग सभी नियम कायदों का सख्ती से पालन करें। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई को बचाव से ही जीता जा सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी निर्देश का पालन करें और कोरोना को हराने में पुलिस का सहयोग करें। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। लंबे समय तक दफ्तरों और व्यवसायिक गतिविधियों को बंद नहीं रखा जा सकता, लिहाजा इन्हें धीरे धीरे खोला जा रहा है। लेकिन कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, बल्कि अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को कोरोना से बचने के तौर तरीके समझाए जा सकें। एक रिपोर्ट। कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस पूरी मजबूती के साथ डटी है। लॉकडाउन का पालन कराना हो, जरूरतमंदों को मदद पहुंचानी हो या फिर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करना हो, दिल्ली पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैद नजर आ रही है। मध्य जिला पुलिस द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान की शुरुआत किया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। नए अंदाज में शुरू किए गए इस अभियान के तहत पुलिस ने 2 गज की दूरी दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस द्वारा जामा मस्जिद और मटिया महल बाजार में लोगों को 2 गज की दूरी लिखे हुए पेपर जैकेट्स के वितरण की शुरुआत हुई। इस दौरान कुल 50,000 लोगों को ये जैकेट बांटे गए। हमने लॉकडाउन में भी देखा और अब लॉकडाउन में जैसे थोड़ी ढील हुई है तो मार्केट एरियाज में शाम को, खासकर जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहाँ भीड़ होती है और 2 गज की दूरी का पालन कई बार अनजाने में नहीं होता लोगों से, तो लोगों को समझाने के लिए, उनके कॉन्शियस में डालने के लिए हमने ये पेपर जैकेट बनवाई है। इस पे 2 गज की दूरी बनाए रखें लिखा है, ये लोगों को पहना रहे हैं ताकि लोग खुद भी पहने, समझें, खुद के कॉन्शियस में ये बात डालें और जब वो मार्केट में चलेंगे तो कोई उनके पास भी नहीं आएगा
और वो जो लोग पढ़ेंगे इसको वो भी इस बात को समझेंगे कि 2 गज की दूरी बना के रखनी है, आपस में साथ जो है कम फासले में नहीं खड़े होना है। इस महामारी के संक्रमण की चेन को तोड़ने का जो एकमात्र सोशल डिस्टेंसिंग तरीका है उसका पालन करना है और करवाना है। पूरे जिले में 5 लाख लोगों को इस प्रकार के जैकेट वितरित किए जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया जाएगा। खासतौर पर डिजाइन किए गए इन जैकेट्स के आगे और पीछे 2 गज की दूरी का संदेश लिखा हुआ है। मध्य जिले में कई कंटेनमेंट जोन हैं, लिहाजा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाना जरूरी है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दिल्ली पुलिस की तरफ से हम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है कि तकरीबन हम लोग आज तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इस लॉकडाउन में हमको कम से कम 2 गज की दूरी इख्तियार करनी है। अब तक हम लाउड स्पीकर से भी बोल रहे थे और लोगों को आपस में समझा रहे थे, अब मगर अब ये मैसेज आगे तक जाएगा, लोग इसको देख के पढ़ेंगे भी और ये एक एक घर के एक एक जो अफराद को पता लगेगा कि हमें इस डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द इस महामारी पर काबू पाया जा सके। जाहिर है पुलिस का ये प्रयास इसमें काफी मददगार साबित होगा। बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मामा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। अगर ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए तो सड़कों पर होने वाले हादसों से बचा जा सकता है, मगर कई लोग इन नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों को सबक सिखाने और उन्हें सावधान करने के लिए हाल ही में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। दिल्ली में वाहनों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना एक चुनौती बनती जा रही है। लिहाजा दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास करती रहती है ताकि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के साथ साथ नागरिकों का आवागमन सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सके। लेकिन पुलिस की चौकसी के बावजूद भी कुछ लोग ट्रैफिक नियमों को धता बताने और उन्हें तोड़ने में अपनी शान समझते हैं। इससे न केवल वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं। मसलन लेन ड्राइविंग न करना या निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में गाड़ी चलाना। ऐसे वाहन चालकों पर लगाम कसने और उन्हें जागरूक करने के लिए हाल ही में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया। लॉकडाउन के बाद अब अचानक से रोड में 40% ट्रैफिक में इंक्रीज आया है और आगे ये बढ़ता जाएगा, तो हमारा ये अभी फोकस है कि नए डिसिप्लिन को इन्फोर्स किया जाए। लेन तोड़ना और जिगजैग ड्राइविंग करना, डेंजरस ड्राइविंग करने की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं मेजर रोड स्ट्रेचेस पे, जैसे रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड है। तो हमने यानी ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लेन्स को आइडेंटिफाई करके उन पे ये कैंपेन स्टार्ट किया है। विद द हेल्प ऑफ बोलार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस पैम्फलेट्स, हम इनको बताना चाह रहे हैं कि आपकी सेफ्टी और पब्लिक की सेफ्टी के लिए लेन में चलना कितना इम्पोर्टेंट है। इस दौरान ओवर स्पीडिंग करने वाले और जिगजैग ड्राइविंग या लेन में नहीं चलने वाले वाहन चालकों का चालान भी किया गया। ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों को पकड़ने के लिए खासतौर पर इंटरसेप्टर लगाए गए थे। इंटरसेप्टर में गाड़ी का नंबर और समय भी दर्ज हो जाता है। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने लोगों को यातायात नियमों के पालन और उन्हें जागरूक करने के लिए पैम्पलेट भी बांटे और उन्हें नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। COVID has been a unique situation for literally everybody in the country. We in traffic police are taking it as a challenge because it is a challenge in the sense that new life again is coming back to roads. People are coming to roads, but this time we want to make it a different comeback. We want to tell them that lane discipline has to come in our daily habit, whether it is a commercial vehicle driver or a car driver. We want to, through education and prosecution, put this idea in their minds so that tomorrow, when we are ready for a new beginning after COVID, at least we see more discipline on the road. Education is the only way you can bring road safety
as a concept in the mind of the people. So the idea is to stop them and counsel them. I've seen good reactions. People want to be told actually. And slowly we will back it up with better enforcement. याद रखिए, यातायात पुलिस सदैव वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर ही नियम और कानून बनाती है। अगर हम अनुशासित ढंग से यातायात नियमों का पालन करें तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दिल्ली में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मददगार हो सकते हैं। साथ ही साथ अन्य नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।